हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं एयर कंप्रेसर चैप्टर का वन शॉट वीडियो, जिसको देखने के बाद आपके सारे कंसेप्ट होने वाले हैं क्रिस्टल क्लियर। तो इस वीडियो में आज हम ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ एग्जाम में हमें आंसर कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है और कितना लिखना है, वो भी सारी चीज मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, जिससे करके हमें एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज एयर कंप्रेसर, गिव इट्स एप्लीकेशंस, यानी एयर कंप्रेसर क्या है और उसके एप्लीकेशंस के बारे में हमें बताना है। तो एयर कंप्रेसर जो होता है वो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिससे हम एयर का प्रेशर बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि एयर का प्रेशर बढ़ाने से क्या फायदा हुआ, यानी कि हाई प्रेशराइज्ड एयर का क्या यूज है। तो वो एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं पूछूं कि क्या हम अपने मुंह से बाइक का जो टायर होता है उसमें हवा भर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुंह है वो हाई प्रेशराइज्ड एयर क्रिएट नहीं कर पाता। मुंह से जो भी हवा बनती है उसका प्रेशर इतना हाई नहीं होता, और अगर टायर के अंदर हमें हवा भरनी है तो उसके लिए हमें हाई प्रेशराइज्ड एयर की जरूरत पड़ती है और वो हमें एयर कंप्रेसर बना के देता है। तो लिखना क्या है हमें ये क्वेश्चन में, तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट इज अ मैकेनिकल डिवाइस, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द एयर, एयर इज टेकन फ्रॉम द एटमोस्फियर, एयर एटमोस्फियर में से ली जाती है और बाद में वो एक चैम्बर के अंदर उसे कंप्रेस किया जाता है, उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है और बाद में जो हाई प्रेशराइज्ड एयर बनती है उसे हम डिलीवर कर देते हैं रिसीवर में, रिसीवर के अंदर वो हाई प्रेशराइज्ड एयर हम भर देते हैं। अब इसके एप्लीकेशन कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट एप्लीकेशन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसिड्स एंड केमिकल्स बनाने में भी इसका यूज होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स में भी इसका यूज होता है, स्प्रे पेंटिंग जो हम कार को करते हैं उसमें भी एयर कंप्रेसर का यूज होता है, टू फील द एयर इन टायर्स व्हीकल्स में, इन एयर ब्रेक्स में यूज होता है और ब्लास्ट फर्नेस में भी इसका यूज होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंप्रेसर एंड एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ, यानी यहां पे हमें कंप्रेसर के क्लासिफिकेशन देने हैं और थोड़ा बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। तो कंप्रेसर के बेसिक दो क्लासिफिकेशन होते हैं, फर्स्ट हो गया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और दूसरा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप एयर कंप्रेसर यानी क्या कि इस कंप्रेसर में एयर का जो वॉल्यूम होता है उसे कम किया जाता है जिसके कारण उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो वही बात लिखी है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिक्रीज्ड एंड इट्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अब नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप में क्या होता है, तो इसके अंदर एक रोटर होता है और रोटर को हम रोटेट कराते हैं, रोटेट होने के कारण जो एयर का जो फ्लो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण एयर का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो यहां पर लिखा है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो ऑफ एयर इज increased and pressure is increased। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप के दो सब क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला होता है रोटरी और रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी यानी क्या, रोटरी एयर कंप्रेसर के अंदर एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसे हम इंपेलर बोलते हैं, वो सर्कुलर डिस्क को जब हम रोटेट करवाते हैं तब एयर का जो फ्लो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहां पर लिखा है रोटरी टाइप का विथ रोटर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड एंड इट्स प्रेशर इज इंक्रीज्ड। रेसिप्रोकेटिंग टाइप में क्या होता है कि पिस्टन जो होता है, पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग एक्शन होता है, ये एक्शन हो गया रेसिप्रोकेटिंग एक्शन, ये रेसिप्रोकेटिंग एक्शन की हेल्प से हम एयर का प्रेशर बढ़ाते हैं। तो यहां पर लिखा है रेसिप्रोकेटिंग टाइप में यूजिंग रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ पिस्टन, कहां पे, इनसाइड ऑफ द सिलेंडर, प्रेशर ऑफ एयर इज इंक्रीज्ड। अब नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो सब क्लासिफिकेशन है, पहला है सेंट्रीफ्यूगल टाइप और एक्सियल फ्लो टाइप। सेंट्रीफ्यूगल एयर कंप्रेसर जो होते हैं उसमें एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसका नाम होता है इंपेलर, वो इंपेलर को जब रोटेट कराएंगे तब एयर का जो फ्लो होगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा जिसके कारण उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहां पर लिखा है सेंट्रीफ्यूगल टाइप में इंपेलर क्रिएट सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, यानी वो गोल घूमेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्रिएट करेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से प्रेशर ऑफ द एयर इज इंक्रीज्ड। और लास्ट में एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, यानी क्या कि ये कंप्रेसर के अंदर जो एयर के फ्लो का, एयर का जो फ्लो होता है वो जो कंप्रेसर का एक्सिस होता है उसके पैरेलल होता है। जैसे कि सपोज करते हैं ये कंप्रेसर का एक्सिस हो गया, ये कंप्रेसर का अगर एक्सिस है तो एयर का जो फ्लो होगा वो कंप्रेसर के एक्सिस के ऐसे कुछ पैरेलल होगा, ऐसे कंप्रेसर को एक्सियल फ्लो कंप्रेसर बोलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इन ब्रीफ ऑफ एयर कंप्रेशर, यानी एयर कंप्रेशर की जो टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजी यानी एक तरीके का स्पेसिफिकेशन एयर कंप्रेशर का, तो वो टर्मिनोलॉजी हमें लिखनी है और उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में। तो फर्स्ट यहाँ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे लिखा है सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेशर, यानी क्या कि जब एयर का जो फ्लो है या फिर एयर जो है वो सिलेंडर में एक ही साइड से एंटर करती हो तब उसे हम सिंगल एक्टिंग एयर कंप्रेशर बोल देंगे। तो लिखा है एयर एंटर्स इनसाइड द सिलेंडर ओनली फ्रॉम वन साइड ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। नेक्स्ट है डबल एक्टिंग एयर कंप्रेशर, यानी क्या जब एयर का फ्लो या फिर एयर दोनों साइड से सिलेंडर के अंदर एंटर करे तब उसे हम बोल देंगे डबल एक्टिंग एयर कंप्रेशर। तो लिखा है एयर एंटर्स इनसाइड द सिलेंडर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द सिलेंडर। नेक्स्ट है सिंगल स्टेज एयर कंप्रेशर, यानी क्या जो भी कंप्रेशन की प्रोसेस होती है, टोटल कंप्रेशन की प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही सिलेंडर में हो तो उसे हम बोल देंगे सिंगल स्टेज एयर कंप्रेशर। तो लिखा है टोटल कंप्रेशन प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन वन सिलेंडर। उसी तरीके से आएगा मल्टी स्टेज एयर कंप्रेशर, यानी क्या जो भी कंप्रेशन की प्रोसेस है, टोटल कंप्रेशन की प्रोसेस है एयर की, वो एक से ज्यादा सिलेंडर में अगर हो तो उसे हम मल्टी स्टेज में, डिफरेंट स्टेज में हो कंप्रेशन प्रोसेस, तो मल्टी स्टेज कंप्रेशर बोल देंगे। तो टोटल कंप्रेशन प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन मोर देन वन सिलेंडर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फ्री एयर डिलीवरी, यानी क्या कि सपोज करते हैं कि हमने एटमॉस्फेयर में से एयर ली उसे कंप्रेस करने के लिए। अब अगर हम उसे कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में से हमने 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम की एयर ली, अब कंप्रेसर के अंदर उसे कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद अब एयर का वॉल्यूम हो चुका है सपोज 1 मीटर क्यूब, तो वो जो 1 मीटर क्यूब हम जो रिसीवर को दे रहे हैं वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, फ्री एयर डिलीवरी। तो यहां पे लिखा है इट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर टू द रिसीवर। जब हम ले रहे हैं तब उसका वॉल्यूम बड़ा होगा और जब हम डिलीवर कर रहे हैं तब उसका वॉल्यूम छोटा होगा। जो छोटा वॉल्यूम हो गया है, जो डिलीवरी का वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम एयर का, उसे हम फ्री एयर डिलीवरी बोल देंगे। नेक्स्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम, जिसे स्ट्रोक वॉल्यूम भी कहा जाता है। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है, ये प्रोडक्ट होता है जो एरिया का सिलेंडर है और उसके लेंथ का। तो यहां पे लिखा है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अब स्ट्रोक वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम यानी वी सफिक्स एस से इसे डिनोट किया जाता है, पाई बाई 4d2, ये क्या हो गया एरिया हो गया, और एरिया का किसके साथ हमने प्रोडक्ट लिया है, लेंथ के साथ, ठीक है। तो पाई बाई 4d2 इंटू L, ये इसका हो गया स्वेप्ट वॉल्यूम का इक्वेशन। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, जिसे इटा वी से डिनोट किया जाता है। इटा वी क्या है, ये रेशियो है फ्री एयर डिलीवरी टू स्ट्रोक वॉल्यूम का। फ्री एयर डिलीवरी हमने देख लिया, एक्चुअल वॉल्यूम जो डिलीवर करते हैं वो, और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो प्रोडक्ट हो गया एरिया और लेंथ का। लास्ट है कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो भी एक तरीके का रेशियो ही है, जो कि रेशियो होगा डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ एयर टू द सक्शन प्रेशर ऑफ एयर। अब डिस्चार्ज प्रेशर हमेशा ज्यादा होने वाला है क्योंकि कंप्रेस करके उसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सपोज डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ एयर हम बात करते हैं 10 हो गया, ठीक है, और सक्शन प्रेशर यानी जो हमने एयर लिया है कम प्रेशर वाला तो 1 हो गया, यानी इसका कंप्रेशन रेशियो कितना हो गया, इसका कंप्रेशन रेशियो हो गया 10, और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, यानी ये जो एयर कंप्रेशर है सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग, उसका हमें वर्किंग एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंगल स्टेज यानी क्या, सिंगल स्टेज यानी हमने देखा था कि जो टोटल कंप्रेशन प्रोसेस होती है वो टोटल कंप्रेशन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही सिलेंडर में होती है, जिसे हम सिंगल स्टेज बोल देंगे। और रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर यानी क्या कि पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग एक्शन की वजह से जब एयर का प्रेशर बढ़ता है तो उसे हम रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर बोलते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर ऐसा कुछ एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगाया गया होता है, यहाँ पे एक डिलीवरी वाल होता है जिसमें से हम हाई प्रेशराइज्ड एयर को डिलीवर कर सकते हैं कोई भी रिसीवर में। दूसरा होता है सक्शन वाल, सक्शन वाल से हम एयर को अंदर ले सकते हैं सिलेंडर के अंदर उसे कंप्रेस करने के लिए। बाद में पिस्टन कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक से कनेक्ट किया गया होता है मेन शाफ्ट पे, मेन शाफ्ट को हम मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। जब हम मोटर को ऑन करेंगे तो मेन शाफ्ट घूमेगा तो ये पिस्टल जो है वो हमारा रेसिप्रोकेट होना शुरू कर जाएगा इनसाइड दी सिलेंडर और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये हो गया थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन। अब हम इसके वर्किंग की बात करते हैं कि कैसे
से जो एयर का प्रेशर है वो बढ़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पिस्टन जब होगा, बाद में जब यहाँ पे जाएगा यानी क्रैंक ये डायरेक्शन में घूमेगा, ये डायरेक्शन में घूमेगा, तब ये पिस्टन ये डायरेक्शन में जाने वाला है। तो जब पिस्टन ये डायरेक्शन में जाएगा तब सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा, वैक्यूम क्रिएट करता जाएगा। ये ऐसे जा रहा है, अंदर वैक्यूम क्रिएट हो रहा है यानी प्रेशर कम हो रहा है, और बाहर एटमोस्फियर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर कम हो गया, पिस्टन ये साइड गया, इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रेशर है, जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस बना, कम प्रेशर ज्यादा प्रेशर। तो क्या होगा, ये सक्शन वाल्व ऐसे करके अंदर चला जाएगा यानी सक्शन वाल्व खुल जाएगा। सक्शन वाल्व खुल गया यानी अब एयर का फ्लो अंदर आना शुरू कर दिया है, यानी पिस्टन जब ऐसे जाएगा तब एयर भरती जाएगी अंदर, ठीक है। एयर यहां तक भर चुकी है, जब एयर भर जाएगी यहां तक, जब पिस्टन आ जाएगा तब क्या होगा, अब एयर का प्रेशर बढ़ चुका है इनसाइड द सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। अब सक्शन वाल्व बंद हो चुका है, अब क्या करेगा पिस्टन, ये डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है यानी ऐसे करके ऐसे जाएगा, ये डायरेक्शन में जब पिस्टन जाएगा तब क्या करेगा, एयर के वॉल्यूम को कम करेगा, उसके रेसिप्रोकेटिंग एक्शन की वजह से एयर का वॉल्यूम कम हो रहा है और उसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। जब सफिशियंट एकदम हाई प्रेशर जब क्रिएट हो जाएगा तब ये डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा और डिलीवरी वाल्व से जो हाई प्रेशराइज्ड एयर है वो हम रिसीवर को दे देंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब इसका पीवी डायग्राम हमें बनाना जरूरी है। यहाँ पे पीवी डायग्राम में हमने क्या किया है, 1 2 2 क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्यों वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि पिस्टन जो है ऐसे जा रहा है यानी जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, तो 1 2 2 में क्या हो गया, सिलेंडर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। बाद में क्या हो रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है यानी वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, यानी 2 2 3 में हम देख सकते हैं, 2 2 3 में वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, यानी पिस्टन यहां पे आ गया है। अब ये जो प्रेशर बना हाई प्रेशर, वही प्रेशर पे हम क्या करेंगे, रिसीवर को डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया है, वही प्रेशर पे हम रिसीवर को दे देंगे, यहां से सक किया, यहाँ पे रिसीवर को दे दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पीवी डायग्राम है वो जितना एरिया कवर करता है वो एरिया को हम बोल देते हैं वर्क डन बाय कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर को इतना वर्क करना पड़ेगा जो कि काफी ज्यादा है। तो सिंगल स्टेज जो एयर कंप्रेसर में है उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ता है एयर को कंप्रेस करने के लिए। अगर हमें कम वर्क करना है तो उसके लिए हम मल्टी स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर का यूज करेंगे, जो कि इसके बाद ही हम देख लेते हैं। अब लिखना क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है तो एक एक करके देख लेते हैं। इट हैज वन सिलेंडर कवर्ड विथ कूलिंग जैकेट, ये सिलेंडर को कूलिंग जैकेट से कवर किया जाता है जिससे करके अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। वन पिस्टन इज इंसर्टेड इनसाइड द सिलेंडर एंड क्रैंक इज रोटेटेड creates reciprocating action, crank rotate किया, reciprocating action आ गया। अब ये figure की बात करें, when piston moves outwards then due to pressure difference suction valve will be open, suction valve खुल गया and air enters inside the cylinder, ठीक है। अब ये figure की बात करें, when piston moves inwards ऐसे जा रहा है, ठीक है, then सक्शन वाल्व विल बी क्लोज्ड, ऐसे जा रहा है तो सक्शन वाल्व क्लोज हो गया। क्यों क्लोज हुआ, क्योंकि अब प्रेशर ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, क्लोज्ड, एंड पिस्टन विल इंक्रीज द प्रेशर ऑन एयर। व्हेन सफिशिएंट प्रेशर विल बी इंक्रीज, बहुत ज्यादा प्रेशर जब क्रिएट कर दे, देन डिलीवरी वाल्व विल बी ओपन, ये डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा एंड हाई प्रेशराइज्ड एयर इज डिलीवर्ड टू रिसीवर। और ये ग्राफ के बारे में लिखे तो एयर एरिया कवर्ड by PV diagram is called work done, जो हमने देख लिया, which can be decreased by using multi-stage air compressor। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब हम multi-stage reciprocating air compressor के बारे में पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे multi-stage reciprocating air compressor से work done जो होता है वो कम किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ मल्टीस्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। मल्टीस्टेज यानी क्या, कि जो भी टोटल कंप्रेशन प्रोसेस होगी वो एक से ज्यादा सिलेंडर में होने वाली है, यानी कि यहाँ पे हमें 2 सिलेंडर लेने पड़ेंगे कंप्रेसर के, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर हमने ले लिया जिसे बोल देंगे लो प्रेशर कंप्रेसर, ठीक है, उसे बोल देंगे फर्स्ट स्टेज। यहाँ पे ले लिया हाई प्रेशर कंप्रेसर, उसे बोल दिया सेकंड स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सबसे पहले तो हम एयर लेंगे, सपोज करते हैं एटमॉस्फेयर में से ले लिया, कहां से ले ली, जहां पे लो प्रेशर ऑफ एयर इज प्रेजेंट। तो यहां से हमने कुछ प्रेशर की एयर ली जिसे हम P1 प्रेशर बोल देंगे, सपोज करते हैं 1 bar का प्रेशर का एयर हमने ले लिया। इसके अंदर क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग एक्शन होने के कारण पिस्टन जो है वो
कंप्रेस करेगा एयर को, एयर का प्रेशर बढ़ेगा और इसके आउटलेट पे, फर्स्ट स्टेज के आउटलेट पे हमें 10 बार प्रेशर की एयर मिलेगी। ठीक है, अब ये 10 बार प्रेशर की जो एयर है उसका टेम्परेचर हाई होगा, तो ये जो 10 बार की प्रेशर की एयर है उसे हम इंटरकूलर में पास कराएंगे। इंटरकूलर में ये जो एयर है 10 बार प्रेशर की, वो कुछ हीट रिजेक्ट करेगी, हीट रिजेक्ट करके टेम्परेचर कम कर देगा अपना, लेकिन प्रेशर तो सेम ही रखेगा। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा, ये जो 10 बार का प्रेशर है वो अपना टेम्परेचर कुछ लूज करेगा, हीट रिजेक्ट कर देगा, लेकिन प्रेशर तो एज इट इज रखेगा। अब ये 10 बार प्रेशर का जो एयर है वो अब हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाएगा, सेकंड स्टेज में जाएगा। सेकंड स्टेज में वापस से पिस्टन ये 10 बार प्रेशर जो है उसे और इंक्रीज करेगा और उसे P3 प्रेशर बना देगा, यानी 20 बार प्रेशर बना देगा, और ये 20 बार का जो प्रेशर का एयर है वो हम रिसीवर को दे देंगे। ठीक है, अब यहां पे हम पीवी डायग्राम की बात करें तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, पिस्टन ऐसे गया, वॉल्यूम बढ़ा, ये हो गया हमारा वी और ये हो गया पी, वॉल्यूम बढ़ा ऐसे करके, वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में, बाद में फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, कितने तक बढ़ा, 10 बार तक बढ़ा दिया। ठीक है, 10 बार तक प्रेशर बढ़ा दिया, बाद में क्या होगा, इंटरकूलर में हीट रिजेक्ट करेगा, यानी एयर का टेम्परेचर कम होगा, अगर एयर का टेम्परेचर कम होता है तो एयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, एयर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो एयर का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरकूलर में क्या हुआ, हीट रिजेक्ट हुआ, जिससे करके एयर का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब ये कम वॉल्यूम का एयर या फिर कम टेम्परेचर का एयर या फिर P2 प्रेशर का एयर सेकंड स्टेज में जाएगा, उसमें से और प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वो 20 बार तक हो जाएगा और 20 बार हम किसको दे देंगे, रिसीवर को दे देंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया कवर्ड बाई दी डायग्राम जो है वो इतना ही है, जो कि हो गया इसका वर्क डन, जबकि सिंगल स्टेज में यहां पे हमने देखा था ऐसे करके कुछ ऐसे एक्स्ट्रा इतना भी एरिया आता था, तो इतना एरिया अब रिमूव हो चुका है, किसमें, मल्टी स्टेज में, यानी कि मल्टी स्टेज का वर्क डन कम है और सिंगल स्टेज का वर्क डन ज्यादा है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज क्या है कि कॉस्ट इसका हाई होगा, स्ट्रॉन्ग इसका जो स्ट्रक्चर होगा, कंस्ट्रक्शन चाहिएगा, क्यों, ज्यादा हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लो होगी। तो इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, वो देख लेते हैं। कंप्रेशन प्रोसेस इज डन इन टू सिलेंडर्स विद रेसिप्रोकेटिंग एक्शन ऑफ पिस्टन, एयर इज टेकन इन फर्स्ट स्टेज, ठीक है, P1 प्रेशर का, हुज प्रेशर इज इंक्रीज टू P2, ठीक है, देन इनसाइड द इंटरकूलर क्या होगा, टेम्परेचर इज डिक्रीज, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा बट प्रेशर ऑफ एयर रिमेन सेम, प्रेशर ऑफ एयर P2 ही रहेगा। अब ये जो P2 प्रेशर का एयर है, P2 प्रेशर ऑफ एयर एंटर्स इन सेकंड स्टेज में एंटर हो चुका है, वेयर इट इज मोर कंप्रेस्ड अप टू हाई प्रेशर P3 तक इसको कंप्रेस कर दिया और बाद में किसको डिलीवर कर दिया, रिसीवर को डिलीवर कर दिया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ स्क्रोल कंप्रेसर, जिसे हम स्पाइरल कंप्रेसर भी बोलते हैं इन ब्रीफ। तो इसका हम ब्रीफ में जो भी वर्किंग है वो हमें यहाँ पे लिखना है, तो देख लेते हैं कि ये स्क्रोल कंप्रेसर जो होता है, सबसे पहले ये स्क्रोल कंप्रेसर में दो तरीके के स्पाइरल आते हैं, स्पाइरल जो यहाँ पे शेप देख सकते हैं हम, ये एक स्पाइरल हो गया और दूसरा डॉटेड लाइन वाला स्पाइरल भी हमें दिख रहा है, यहाँ पे एक स्पाइरल और अंदर की साइड एक डॉटेड वाला स्पाइरल। अब ये जो स्पाइरल है बाहर वाला स्पाइरल, उसे हम फिक्स्ड स्पाइरल बोलते हैं, और ये फिक्स्ड स्पाइरल जो है वो कंप्रेसर की बॉडी के साथ अटैच किया जाता है, वो फिक्स होता है, और इसके अंदर ये वाला डॉटेड लाइन वाला जो स्पाइरल है उसे हम ऑर्बिटल स्पाइरल बोलते हैं, और ऑर्बिटल स्पाइरल जो है वो फिक्स्ड स्पाइरल के अंदर ऐसे करके स्क्रोल करता रहता है, उसकी ऑर्बिटल मोशन करता रहता है। ये फिक्स हो गया जो कंप्रेसर की बॉडी के साथ अटैच है, और ये ऑर्बिटल स्पाइरल है वो ऐसे करके स्क्रोलिंग मोशन या ऑर्बिटल मोशन करता रहता है। अब ये ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या होगा, एयर का जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा, एयर कंप्रेस होगी और हमें हाई प्रेशराइज एयर मिल जाएगी, और ये जो स्पाइरल्स है उसे हम आर्किमिडियल स्पाइरल भी बोलते हैं। और यहाँ पे स्पाइरल मोशन होने के कारण या ऑर्बिटल मोशन होने के कारण या स्क्रोलिंग होने के कारण इससे जो वाइब्रेशन होता है और जो नॉइस होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि यहां पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन है नहीं पिस्टन की, इसलिए नॉइस और वाइब्रेशन कम होता है। अब यहां पे एक्चुअल में एयर कंप्रेस कैसे होती है, कैसे एयर का वॉल्यूम कम होता है वो देख लेते हैं। तो इनिशियली सपोज ये ऐसे ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, सपोजिंग इनिशियली हम ऐसे कुछ फिगर बना देते हैं, यहां ये जो एयर पॉकेट दिख रही है, यहां जो जगह दिख रही है, वहां से एयर कहां जाएगी, अंदर जाएगी, एयर अंदर जाने के बाद ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, यानी कि
अब एयर का वॉल्यूम कम होता 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 सेंटर पे जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम में हम देख सकते हैं क्या ये सेंटर पे जो एयर पहुंची है ये स्पाइरल मोशन के कारण उसका वॉल्यूम अब कम हो चुका है। यानी ये जो सेंटर हमने बनाया है यहां से क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी, वो हम रिसीवर को दे देंगे। तो ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। लिखना क्या है, हमें तो यहां लिखा है इट हैज वन फिक्स्ड एंड वन ऑर्बिटल स्पाइरल कॉल्ड आर्किमिडियल स्पाइरल। फिक्स्ड स्पाइरल इज अटैच्ड विद द बॉडी ऑफ द कंप्रेसर एंड ऑर्बिटल स्पाइरल मूव्स इन इट्स ऑर्बिट और स्क्रोल। ड्यू टू ऑर्बिटल या फिर स्क्रोलिंग मोशन एयर इज कंप्रेस्ड, क्यों, वॉल्यूम कम हो रहा है, फ्रॉम द एयर पॉकेट एयर इज टेकन, यहां से एयर ले ली, when which is compressed at the center, यहाँ पे center of the spirals and delivered to the receiver को दे दिया। Due to spiral motion, it produces very less noise and vibration as reciprocating motion is not required। तो जल्दी से screenshot ले लो, आगे बढ़ते हैं। Next question है, explain construction and working of scroll compressor in brief। अब scroll compressor जो है वो कैसे काम करता है वो हमें brief में explain करना है। तो डायग्राम यहाँ पे बनाया है स्क्रोल कंप्रेसर का। स्क्रोल कंप्रेसर के अंदर एक बड़ा सा ऐसा कुछ केसिंग होता है, केसिंग के अंदर हम दो स्क्रूज लगाते हैं। पहला जो स्क्रू होता है उसे हम ड्रिवन स्क्रू बोलते हैं, दूसरा जो स्क्रू होता है उसे हम ड्राइवर स्क्रू बोलते हैं। ड्राइवर स्क्रू जो होता है वो मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट किया गया होता है। जैसे ही हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, ड्राइवर स्क्रू घूमना शुरू कर देगा, और ड्राइवर स्क्रू टाइमिंग गियर से कनेक्ट होता है और ड्रिवन भी टाइमिंग गियर से कनेक्ट होता है। तो ड्राइवर स्क्रू घूमा तो टाइमिंग गियर की वजह से ड्रिवन स्क्रू भी घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ड्राइवर और ड्रिवन स्क्रू दोनों घूम रहे हैं, हम ऊपर की साइड से एयर को एंटर कराते हैं जो कि लो प्रेशर का होगा। एयर एंटर होगी तब क्या होगा, ऐसे करके जब स्क्रू घूमेगा, ये स्क्रू को अगर सामने से देखेंगे दोनों स्क्रू को तो ऐसा कुछ डायग्राम हमें नजर आएगा। ठीक है, तो जब एंटर होगी एयर तो कहां पे एंटर होगी, यहां पे जो एयर पॉकेट्स हमें दिख रहे हैं यहां पे, ये एयर पॉकेट्स में एंटर होती जाएगी, उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। यानी उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, एयर यहां पे एंटर हुई, ये स्क्रू घूम रहे हैं, ये सारे एयर पॉकेट्स हो गए, यहां पे इसका वॉल्यूम कम होता होता यहां तक आ जाएगा। यानी यहां तक आने पर एयर का प्रेशर बढ़ गया होगा और ये जो साइडवेज है यहां पे से हम कंप्रेस्ड एयर को हम डिलीवर कर देंगे रिसीवर को। ठीक है, अब कैसे लिखना है वो देख लेते हैं कि इट हैज वन ड्राइवर स्क्रू, ठीक है, विच रोटेट्स ड्रिवन स्क्रू विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग गियर्स। ठीक है, ड्राइवर स्क्रू इज कनेक्टेड विथ मोटर शाफ्ट फ्रॉम विच इट गेट्स द पावर। एयर एंटर्स फ्रॉम द टॉप साइड ऑफ द स्क्रू एंड ट्रैप्ड इनसाइड द पॉकेट्स सो दैट एज स्क्रू रोटेट्स वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिक्रीज्ड एंड कंप्रेस्ड एयर कम्स आउट फ्रॉम द साइडवेज एंड डिलीवर्ड टू द रिसीवर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट वैन कंप्रेसर। तो यहाँ पे हमें वैन कंप्रेसर के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो वैन कंप्रेसर में ऐसा कुछ डायग्राम हमें बना के आना है। वैन कंप्रेसर के अंदर सबसे पहले तो एक रोटर होता है, ठीक है, ये रोटर रोटेट होता रहता है, ठीक है, इसलिए वैन कंप्रेसर को हम रोटरी कंप्रेसर भी बोलते हैं। अब ये रोटर जो होता है उसका एक मेन शाफ्ट होता है, वो मेन शाफ्ट मोटर से हम कनेक्ट करते हैं, तो जैसे मोटर ऑन करेंगे तो ये रोटर रोटेट होना शुरू कर जाएगा। तो ये जो रोटर है वो मोटर से क्या लेता है, पावर लेता है रोटेट होने के लिए। ठीक है, अब ये जो रोटर है वो एक केसिंग के अंदर रखा गया होता है, केसिंग यानी जो हमारा कंप्रेसर है स्टेशनरी, वो उसको क्या बोलेंगे, केसिंग, केसिंग यानी एक स्टेशनरी पार्ट है, रोटर अंदर रोटेट होता है। रोटर के ऊपर ऐसे कुछ वेन्स होते हैं जिसे हम बोल देंगे ब्लेड्स। तो ऐसे ब्लेड्स होते हैं रोटर के ऊपर, अब रोटर रोटेट करेगा तो ये ब्लेड्स भी रोटेट होते रहेंगे, ये रोटर यही पोजीशन पे रोटेट करता रहता है। अब ये जो ब्लेड्स है या वेन्स है इनके पास स्प्रिंग मैकेनिज्म होती है। स्प्रिंग मैकेनिज्म यानी क्या, कि जब ये ऐसे घूमेगा तो ये जो ब्लेड है वो एक्सपांड करता 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 ऐसे तक आएगा और बाद में वापस से दबता दबता ऐसे चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बनाया है स्प्रिंग मैकेनिज्म का डायग्राम, कि जब केसिंग और ये जो मेन शाफ्ट है, ये मेन शाफ्ट और केसिंग के बीच का जब डिस्टेंस ज्यादा हो कुछ ऐसा, तो क्या कर जाएगा, ब्लेड एक्सपांड कर जाएगा, और जब ये जो मेन शाफ्ट है और ये केसिंग है उसके बीच का डिस्टेंस कम होगा, यानी यहां कहां पे, तब क्या करेगा, वो कंप्रेस होता जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब इसका वर्किंग क्या होगा कि हम यहां से एयर लेंगे, तो यहां पे ज्यादा वॉल्यूम की हमने एयर ले ली। अब ये तो रोटेट हो रहा है, यानी ये वेन्स ऐसे रोटेट होंगे, यानी एयर का वॉल्यूम कम हो गया, यहां पे भी कम हो गया, कम होता होता बहुत ही ज्यादा जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऐसी हाई प्रेशराइज्ड एयर को बोल देंगे कंप्रेस्ड एयर, जो हम दे देंगे रिसीवर को। अब लिखना कैसे वो देख लेते हैं। इट इज अ रोटरी कंप्रेसर हैविंग वन रोटर कनेक्टेड टू मोटर शाफ्ट, ये वाला गेट्स पावर फ्रॉम इट। वन ऑन रोटर वेन्स या फिर बोलो ब्लेड्स आर माउंटेड एंड ब्लेड्स हैविंग स्प्रिंग मैकेनिज्म सो दैट व्हेन रोटर रोटेट्स इनसाइड द केसिंग ब्लेड्स एडजस्ट इट्स लेंथ फ्रॉम द इनलेट। ये रहा एटमोस्फियरिक एयर एंटर्स आ गया द केसिंग एंड वॉल्यूम ऑफ एयर is decreased between the veins या फिर blade and high pressurized air is delivered to the receiver। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में क्या होता है, हमने देखा था कि एयर का जो फ्लो होगा, एयर का जो फ्लो होगा वो कंप्रेसर की एक्सिस के पैरेलल होगा, इसलिए इसे हम बोल देंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। अब एक्सियल फ्लो कंप्रेसर के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। पहला ये जो पार्ट है कंप्रेसर का, उसे हम बोल देंगे स्टेटर, ठीक है, और अंदर का जो ये जो पार्ट है उसे हम बोल देंगे रोटर। बाहर का हो गया स्टेटर, अंदर का हो गया रोटर, ठीक है। ये जो रोटर जो होता है वो रोटेट करता रहता है, ठीक है। अब ये रोटर के ऊपर कुछ ब्लेड्स होती है, ये ब्लेड्स को हम बोल देंगे रोटर ब्लेड्स, और ऐसे ही ये जो स्टेटर है जो फिक्स है उसके ऊपर भी कुछ ब्लेड होती है जिसे हम बोल देंगे स्टेटर ब्लेड्स, ठीक है। अब इस ये जो एयर कंप्रेसर है इसके अंदर क्या होगा एक्चुअल में कि ये जो ऐसा जो डिजाइन बनाया गया है, ऐसा डिजाइन, ये डिजाइन को डिफ्यूजर बोलते हैं। डिफ्यूजर का क्या यूज होता है, डिफ्यूजर का ये यूज होता है कि जब डिफ्यूजर के अंदर एयर एंटर होती है तब धीरे धीरे एयर फ्लो की काइनेटिक एनर्जी जो है, सॉरी वेलोसिटी जो है, वो वेलोसिटी कम होती जाती है, और वेलोसिटी कम होने के कारण आखिरी क्वेश्चन है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैसे काम करता है वो हम यहां